जय श्री माता जी। जय श्री श्री माता माता जी। जी इज परमिशन लेट मी स्टार्ट दिस टुडे सेशन लर्निंग सेशन आई वुड से टू बिगिन विद एंड देन सब्सिक्वेंटली आफ्टर सम नॉलेज शेयरिंग विद यू विल प्रोसीड टू मेडिटेशन सेशन। तो जैसा कल हमने देखा कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और कुंडलिनी है ट्रायंगुलर बोन में और सबसे नीचे का चक्र मूलाधार चक्र। आज पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ये आपको जो मेरा चार्ट सामने दिख रहा है इसमें 4 पेटल्स हैं। कैन यू सी 4 पेटल्स। ये मूलाधार चक्र ये कुंडलिनी के नीचे होता है। अच्छा अभी हमारी बॉडी में और कहाँ कहाँ पर है तो एज यू कैन सी एक ये है यहाँ पे सिर में अगर आप देखें तो ऐसे करके यहाँ पे आ रहा है। ये महागणेशा का स्थान होता है यहाँ पे। तो ये है मूलाधार चक्र सर के पीछे। ठीक है एक है ये हथेली में इस तरफ ये हथेली का ये पॉइंट है ये मूलाधार चक्र है और पैरों में एड़ियों के नीचे ये मूलाधार चक्र है और स्पाइन में तो हमने देखा ही ये रीढ़ की हड्डी के इस तरफ ये नीचे मूलाधार चक्र ये। ठीक है तो ये हमारा मूलाधार चक्र होता है। अच्छा अब इसके इसका प्लेनेट क्या है इसका प्लेनेट है मार्स यानी मंगल। तो अगर आपको मंगल दोष है आप मांगलिक हैं तो आपका मूलाधार चक्र में खराबी है। ठीक है और मूलाधार चक्र से के ठीक ना होने से और इसके फंक्शन ठीक से ना होने से हमको क्या प्रॉब्लम होगी हमको कॉन्स्टिपेशन होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का प्रॉब्लम होगा कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है वहां पे और यूटीआई इन्फेक्शंस बार बार होंगे पाइल्स वाइल्स इस तरह की सारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है यहाँ पे हमारे नीचे होते हैं। तो ये एनर्जी सेंटर है जो सप्लाई करता है एनर्जी टू द सराउंडिंग ऑर्गन्स। अगर ये चक्र जो ये 4 पंखुड़ियों वाला चक्र है अगर ये नहीं मूव कर रहा चक्र का मतलब चक्का चक्के का मतलब पहिया व्हील व्हील ऑलराइट सो द व्हील मूव्स when wheel moves it gives air breeze creates you know some kind of impact jab koi bhi ab jaise pankha hai pankha chal raha hai to hawa aa rahi hai na uske 3 blades hai ki 4 blades hai pankhe ke when it is moving it is giving out breeze movement so ye bilkul is tarah se move karta hai so sahaj yoga mein koi bhi cheez aisi nahi jo sirf theoretical hai इट इज प्रैक्टिकल। आपको इस चक्र का मूवमेंट बाकायदा फील होगा। ये फील होता है और ये क्योंकि मुझे हुआ इसलिए मैं इतने विश्वास से कह सकती है ना तो आपको भी ये फील होगा और बहुत सारे सहजियों को मतलब हर चक्र की ओपनिंग ओपनिंग ऑफ द चक्रास कहते हैं इसको। ठीक है तो जब ये चक्र आपका मूव होगा तो ये ओपन होगा। अभी जैसे ऐसे बंद है फिर धीरे से ये ऐसे खिल जाएगा तो ये फूल बन जाएगा और ये फिर ऐसे करके नाचेगा गोल गोल। चक्र मतलब पहिया व्हील व्हील हैज टू मूव एंड व्हेन इट विल मूव इट विल गिव आउट ब्रीज। तो इसलिए आपको उस जगह शीतलता का एहसास होगा जैसे हवा आने पे आपको ठंडा लगता है हवा आती है। ठीक है तो अब इसके अब जब ये चक्र है तो इसके कोई ना कोई तो डेटी होंगे है ना। इसकी डेटी कौन है इसकी डेटी लॉर्ड गणेशा है। ठीक है सो ये जो हमारा चक्र है हमारा जो मूलाधार चक्र है इसकी 4 पंखुड़ियां हैं और ये हमको देता है विजडम इनोसेंस फियरलेसनेस एंड द स्पिरिचुअल असेंट। तो जो ऊपर वाली तरफ पंखुड़ी है ये ऊपर की तरफ चल पड़ती है और ये कनेक्ट होती है मेरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या सुषुम्ना नाड़ी ये ईड़ा नाड़ी से ये ऐसे उठ के ये इस तरह से मूव होती है और ये मेरे को देती है स्पिरिचुअल असेंट आध्यात्मिक उत्थान और ये मेरे को पतन की तरफ ले जा सकता है।
लस्ट, ग्रीड, ये सब इस नीचे वाले से ये पाताल की तरफ ले जाता है अगर ये एक्टिवेट ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो आपके ये चार जो पंखुड़ियां, ये विजडम देता है, ये फियरलेसनेस देता है, तो ये चारों के अपने अपने गुण होते हैं। हालांकि बहुत डिटेलिंग है, मैं अभी इसको टच नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आज जैसे मुझे शिवा माता जी ने बोला कि मैं आपसे ये शेयर करूं, क्योंकि इस समय यहाँ पे बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं एंड आई नो देम पर्सनली, सो आई थिंक उनको नॉलेज की भी भूख है, और वैसे भी सहज जो ध्यान मार्ग है ये ज्ञान मार्ग है ना, आपको सब कुछ का ज्ञान होना चाहिए। तो ये मूलाधार चक्र श्री गणेश जी डेटी हो गए इसके, और ये कहाँ कहाँ पे है, ये सर के पीछे यहाँ पे जहाँ पे पोनी आप बनाते हैं उसको पॉइंट, इसको बैक आज्ञा भी इधर बोलते हैं, इधर और बैक आज्ञा के इस तरफ है ये, और ये हथेली के इस तरफ है ये पॉइंट, और आपके जो एड़ी होती है शायद इसको इधर है, और ये सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी के इस तरफ, ठीक है। और मंगल ग्रह है इसका, और इसका बीज मंत्र क्या है, आई एम श्योर याद होगा दिनेश जी को या उमा जी को, क्या बीज मंत्र है इसका, ओम लम 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 ओम, है ना। तो इसका बीज, ये लम बोलने से ये जागृत होता, लम लम लम, है ना। और ये मूलाधार चक्र जो योगासन होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा एक बटरफ्लाई आसन होता है ना, और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, तो योगी और ऋषि लोग इसको फोर्सफुली जागृत करते थे, और सहज योगा में ये अपने आप ही जागृत हो जाता है। इसको ऐसे ऐसे सिकोड़ना और खोलना, सिकोड़ना और खोलना, कोई भी चीज जब हम ऐसे करते हैं तो उसमें मूवमेंट आ जाता है, तो वो फोर्सफुली इसको ट्राई करते थे, और हमको ये स्पॉन्टेनियसली श्री माता जी से प्रेयर करने से प्राप्त हो जाता, तो हमको वो करने का जरूरत नहीं। लेकिन योगासन सारे के सारे एक एक चक्र को जागृत करने के ही उद्देश्य से बनाए गए, है ना। तो ये हो गया हमारा, और मंगल ग्रह हो गया। अच्छा, अब ये हमारा जो जो ये थ्री हमारे चैनल्स होते हैं, तो अगर मैं देखूं जो मेरा दाया मूलाधार है ना, ये तीनों चक्रों पे, मतलब तीनों नाड़ियों पे चक्र होते हैं, स्थित होते हैं। अब जैसे ईड़ा है लेफ्ट साइड, पिंगला है राइट साइड, और ये मेरी सुषुम्ना नाड़ी है। तो अगर मेरा हार्ट चक्र है तो यहाँ भी है मेरा लेफ्ट हार्ट है, मेरा सेंट्रल हार्ट है, मेरा राइट हार्ट, ठीक है ना। अब विशुद्धि में भी लेफ्ट है, सेंटर है, राइट, आज्ञा में भी लेफ्ट है, सेंटर है, राइट, क्योंकि तो आज्ञा पे उल्टा क्रॉस हो जाता है, तो लेफ्ट मेरा राइट की जगह आ जाता है, राइट मेरा लेफ्ट, ठीक है ना। ऐसे मेरा जो भवसागर है उसमें भी मेरा मतलब लेफ्ट और राइट है, ओपन कैसे करेंगे, नाभि, ठीक है। तो जो मेरे चक्र स्वादिष्ठान भी मेरा तीनों नाड़ियों पे है। इसका जो दाया मूलाधार है वो कार्तिकेय जी के नाम लेने से ठीक होता है। अब हम क्यों बताते हैं कि क्यों है, कौन से डेटी है, वो इसलिए बताते हैं क्योंकि उनका नाम लेने से आपका ये चक्र ठीक हो जाता है, इसको हम सहज ट्रीटमेंट कहते हैं। जब इस चक्र से संबंधित आपको कोई बीमारी होती है, और इस चक्र की बीमारी जो होती है बड़ी भयंकर होती है, मतलब कुछ बीमारियां जैसे HIV है और ये सब है, ये सब मूलाधार चक्र की, मतलब गणेश जी के कुपित होने से ये बीमारियां है ना। तो हमको जब हम गणेश जी का नाम लेंगे, मंत्र लेंगे, और कोई भी मंत्र होता है, क्या होता है उसका, ओम तमेव साक्षात पहले लगाते हैं, फिर जो देवी होते हैं उस चक्र के, श्री गणेश साक्षात साक्षात शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः, है ना। तो ओम तमेव साक्षात लगाया पहले, फिर बेटी का नाम लगाया, फिर साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः, है ना। एक तो इस तरह से हम चक्र को ठीक करते। दूसरा, हमारा जो अटेंशन है आफ्टर रियलाइजेशन,
और अदरवाइज ऑल्सो इट इज डिवाइन. अगर मेरा अटेंशन डिवाइन नहीं होता, मेरे अटेंशन के थ्रू ही मेरे फाइव सेंसेस काम करते हैं. मैं आंखें जिस पे डालूं, मतलब वो चीज मैं देख सकती हूँ, जहां मेरा अटेंशन जाए उसकी आवाज मैं सुन सकती हूँ, जहां मेरा अटेंशन जाए मैं फील, तो सब कुछ अटेंशन के माध्यम से होता है. जहां मैं अटेंशन दू वो चीज मुझे याद हो जाती है, जहां मैं अटेंशन नहीं दू वो काम खराब हो जाता है. तो मेरा अटेंशन इज सो डिवाइन, जहां पे भी ये जाएगा उसको जागृत कर देगा. तो यदि मैं अपने अटेंशन को अपने मूलाधार चक्र पे रखूं और उसको क्लॉक वाइज घुमाऊं तो वो जागृत हो जाएगा. अब मेरा अटेंशन बहुत ही हर चीज को एक्टिवेट कर सकता है, क्योंकि अब मैं रियलाइज्ड हो गई, मेरा भ्रमरंध्र खुल गया है. तो जहां से भी मेरा अटेंशन जाएगा वहीं पे परम चैतन्य चले जाएंगे. और परम चैतन्य इज लाइक द क्लेंजिंग यू कैन से पावर ऑफ डिवाइन, वो सब क्लेंस कर देते हैं, सब शुद्ध कर देते हैं. ओके, तो ये मेरा मूलाधार चक्र था. बाकी ये स्वाधिष्ठान चक्र है, और जो स्वाधिष्ठान चक्र है इसका आप देख सकते हैं ये किस जगह आ रहा है, सर के साइड में, और उस साइड में भी होगा, है ना. और ये अंगूठे पे आ रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है, इसका एक बड़ा चार्ट में भी दिखाऊंगी. और ये कुंडलिनी के ऊपर आ रहा है. और इसका बीज मंत्र क्या है, नहीं रम तो नाभी का है, वम 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 वम. ये छह पेटल्स है तो वम 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 सिक्स टाइम्स बोलना है. जितनी पेटल्स होती हैं उतनी बार बोलना पड़ता है. ओम वम 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 ओम. तो ओम से शुरू होगा, ओम पे खत्म होगा, और बीज मंत्र को छह बार बोला जाएगा, बार क्योंकि छह पंखुड़ियां. ठीक है. स्वाधिष्ठान चक्र बुध ग्रह होता है, तो जो मरकरी ग्रह है उससे ये एनर्जी रिसीव करता है. पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, पूरा का पूरा. हम बहुत ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड ह्यूमन बीइंग, है ना. तो यहाँ पे मेरा बुध ग्रह है और ये छह पेटल्स हैं. और यहाँ के देवी कौन है, सरस्वती की और ब्रह्मा, ब्रह्मदेव सरस्वती, सरस्वती ब्रह्मदेव सरस्वती, है ना. तो ब्रह्मदेव सरस्वती जी यहाँ के हमारे जो है वो देवी हैं, उनका मंत्र हमको लेना चाहिए. अच्छा, अब दाया स्वाधिष्ठान है, बाया स्वाधिष्ठान है, तो इसके मंत्र अलग अलग हैं हमारे. तो अभी आप मध्य नाड़ी के ही मंत्र याद करिए, है ना. मध्य नाड़ी में ब्रह्मदेव सरस्वती जी, ठीक. ये मूलाधार चक्र, अच्छा ये भी है कि जो ये देखिए मूलाधार चक्र के सारे डिटेल्स हैं. डेटी श्री गणेशा है, नंबर ऑफ पेटल्स 4 पेटल्स, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, और इसका फ्लावर है हिबिस्कस. हिबिस्कस फ्लावर से ये खुश होते हैं, तो जब माँ को आप हिबिस्कस चढ़ाते हैं तो वो मूलाधार चक्र के लिए होता है. और शहनाई से ये एक्टिवेट होता है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, शहनाई, ठीक है. कोरल रेड होता है, ये कलर कोरल रेड है. इसका फ्रूट क्या है, कोकोनट है और अनार, ठीक है. और ये क्लेंजिंग इसकी एलिमेंट किससे क्लीन होता है, भूमि से, पृथ्वी तत्व से. तो अगर हम शीशम के ऊपर बैठे या घास के ऊपर बैठे उससे भी हमारा मूलाधार चक्र स्वच्छ हो, ठीक है. फिर हमारी जो कंट्री है वो कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया. पूरे विश्व में भी हमारी जो कंट्रीज है वो अलग अलग चक्र को
रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में दिक्कतें होंगी तो पूरे विश्व भर के लोगों का मूलाधार चक्र में दिक्कत आएगी, ठीक है। अब इसका व्हीकल कौन है गणेश जी का? माउस। और लोकेशन ऑन हैंड्स हमने बता दिया, यहाँ पे है पाम। और कोरल है इसका स्टोन, स्टोन आप जानते हैं ना स्टोन्स के बारे में, कोरल इसका स्टोन है। स्वास्तिक से ये रिप्रेजेंट होता है। व्हेन यू मेक स्वास्तिक और नारियल, इट इज रिप्रेजेंटेड एज मूलाधार चक्र। मार्स इसका प्लेनेट है। और ये खराब किससे होता है? इम्प्योर अटेंशन से, जो नीचे की तरफ पंखुड़ी है तो वो उसकी तरफ अगर आप ज्यादा हो गए, लस्ट ग्रीड एंड ऑल दैट, तो ये खराब जाएगा, ठीक है ना। क्वालिटीज इसकी है इनोसेंस, विजडम, चेस्टिटी, प्योरिटी और इम्प्योर अटेंशन, ये हमने कर लिया। क्लियरिंग कैसे होती है? सिट ऑन द मदर अर्थ एज मच एज पॉसिबल, ग्रास पे आप जितना बैठेंगे, शीशम के ऊपर भी आप बैठ सकते हैं, शीशम से भी मूलाधार चक्र क्लियर होता है और ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो आज हमने मूलाधार चक्र किया और स्वादिष्ठान चक्र भी किया। ये कंट्रीज के भी नाम थे, किस किस कंट्रीज को ये एक्चुअली ऐसा होता है। तो ये जब हवा में होता है 360 डिग्री पे हम देखते हैं तो समटाइम्स इट लुक्स लाइक ओम, समटाइम्स इट लुक्स लाइक स्वस्तिक। लेफ्ट टू राइट ये कार्बन की वैलेंसीज है एक्चुअली, तो ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन इज यू नो मतलब हर चीज को आप जला दे तो कार्बन बन जाता है, तो कार्बन से पूरी सृष्टि बनी है, पूरी सृष्टि खत्म भी कार्बन पे होगी। तो श्री गणेश जी से शुरुआत हुई है और सारी सृष्टि खत्म होके वहीं पे चली जाएगी, आदि और अंत, ठीक है। ये हमारे गणेश चतुर्शीष में मीनिंग भी यही निकलता है। सो जब आप लेफ्ट टू राइट देखते हैं स्वास्तिक दिखता है, राइट टू लेफ्ट देखते हैं तो ये ओम दिखता है ना। तो ये कार्बन की फोर बैलेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मूलाधार चक्र। अश्री गणेश जी हमारे सब चक्रों पे अलग अलग रूप में भी विद्यमान है, ठीक है। लम इसका वो है, और जितना हम छोटे बच्चों के साथ रहते हैं, जितना हमको फ्लावर पसंद है, जितना हम पृथ्वी पे बैठते हैं, छोटे बच्चों के साथ रहने से मूलाधार चक्र बहुत अच्छा स्वच्छ होता है। और आपने देखा होगा हम लोग छोटे बच्चों को देखते ही एकदम खुश हो जाते हैं, सभी लोग, और बच्चा चाहे किसी का भी हो, इंसान का हो या किसी भी पशु पक्षी का भी हो, बच्चे को देखते ही प्योरिटी एकदम आती है, ठीक है। सो आई थिंक ये आज के लिए हमारा था। सो आई एम श्योर यू हैव गेन्ड सम मोर नॉलेज ऑन मूलाधार चक्र, और अब हमको पता है कि ये किस तरह से इसको हम क्लेंस कर सकते हैं और किस तरह से ये हमारे लिए वर्क करता है। बाकी वाणी सुनेंगे, ये 27 मिनट की वाणी है, लेकिन हम सिर्फ 15 मिनट की वाणी सुनेंगे या 10 मिनट की सुनते हैं, फिर देखते हैं हमको इसमें से क्या समझ में आया, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना सब। वर्ष के देवी में हमारा आना हुआ और आप लोगों ने जो आयोजन किया हुआ है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होनी चाहिए। नव वर्ष जब शुरू होते हैं तो उस वक्त कोई ना कोई नवीन बात, नवीन धारणा,
मनुष्य के अंदर जागृत होती वो स्वयं स्फूर्त होती जिसने भी नवीन वर्ष की कल्पना बनाई है वो कोई बड़े भारी दृष्टा रहे होंगे तो ये सोच करके कि ऐसे अवसर पर प्रतीक रूप मनुष्य के अंदर एक नई उमंग एक नया विचार एक नया आंदोलन जागृत हो जाए ऐसे अनेक नवीन वर्ष आए और गए नई उमंगे आए नई धारणाएं आए और खत्म हो गई। मनुष्य की आज तक की जो कुछ धारणाएं रही एक परमात्मा को छोड़ के बाकी सब एक मानसिक क्रियाएं हैं या बौद्धिक प्रक्रियाएं हैं। मनुष्य अपने बुद्धि से जो भी ठीक समझता था उसका आंदोलन एक नवीन कल्पना समझ करके चला वो आंदोलन कुछ दूर तक जाके फिर न जाने क्यों हटात उसी विशेष व्यक्ति को और उसी समाज को या उस समय में रहने वाले लोगों पर आघात करता। इसका कारण क्या था ये लोग नहीं समझ पाए लेकिन आज हमें इसका साक्षात बहुत ज्यादा अधिक स्पष्ट रूप से हो रहा है। जैसे कि धर्म की व्यवस्था हुई धर्म की व्यवस्था में मनुष्य ने जब भी बुद्धि और मानसिक शक्तियों का उपयोग किया तो बुद्धि के दम में वो एक वाद विवाद के क्षेत्र में पड़ गया और अनेक वाद विवाद अगर सबके एक है तो पंथ इतने क्यों हुए इतने धर्म क्यों हुए उन धर्मों में भी इतने और भी जाति भेद क्यों हो गए ऐसे भेद करते करते न जाने दुनिया में कितने ही उठ जम गए हैं जिसका समझ में नहीं आता है। किसी से पूछते हैं कि आप साहब कौन धर्म के हैं तो आपको ऐसे धर्म का नाम बताएंगे कि जो आपने कभी सुना भी ऐसे धर्म मेरे ख्याल से कभी खरे नवीन वर्ष में ही उत्पन्न होते गए क्योंकि मनुष्य की बुद्धि हर एक नवीन वर्ष में कोई ना कोई नया उमंग लेकर पैदा इसी प्रकार हमारे बुद्धि से राजनैतिक क्षेत्र में भी बहुत सी नई नई उमंगे आई और मनुष्य ने नई नई बात बताई। जैसे शुरुआत में माना गया चलो एक राजा ही रहे तो अच्छा है राजा सबको समझ लेगा और राजा से ही सबको बड़ा लाभ मिलेगा तो देखा कि जिसको राजा बनाया वही दुष्ट उसी ने सताना शुरू कर दिया फिर तो नहीं राजा तो ठीक है इसकी जगह ऐसा करो कि प्रजातंत्र फिर उन्होंने प्रजातंत्र में देखा गया कि हर एक आदमी अपने को बिल्कुल ऐसा समझता है कि वो स्वयं ही उस प्रजा का संस्थापक है संचालक है और करता है। अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका में कितना आतंक मचा किस कदर हिंसाचार मचा अगर पढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है इस प्रजातंत्र का हाल ऐसा क्यों हो गया ये तंत्र सारा गड़बड़ क्यों वही हाल बाद में आप कम्युनिज्म जो आया वो उसकी एक समझ लीजिए कि दूसरी एक नवीन उमंग लेकर के संसार आया कि अब हम एक नया ऐसा संसार बसाएंगे कि उसमें सब मनुष्य में समानता आ जाए उनमें कोई भी तरह का फर्क न रहे खाने पीने में हर चीज में एक जैसा हो जाए और उसके अलावा उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है अगर वो स्वतंत्र हो गया तो स्व के तंत्र में वो गड़बड़ हो जाता है इसलिए उसकी स्वतंत्रता क्योंकि मनुष्य को जब एकदम मूर्ख समझा जाए तभी ऐसा हो सकता है फिर मनुष्य मूर्ख नहीं है वो तो हर जगह उसको आप जितना दबाएगा उतना वो खोपड़ी पे चढ़ेगा तो ये भी बनने वो भी नहीं बनी ये भी नहीं बनी इस तरह से जहां देखते हैं वहीं आतंक। धर्म के मामले में तो आप देख रहे हैं कि किसी के
धर्म की हालत देख करके लगता ही नहीं कि परमात्मा भी कोई चीज हो सकती जो एकमय हो, केवल हो, इसके लिए सब लोग आपस में सर काट रहे हैं, सबको मार डाल रहे हैं। तो ये कारण क्या है? जब चीज आपकी एक बहुत ही ज्यादा सुष्ट रूप से नवीनतम संसार में आई, इस नवीनतम चीज में और इस नावीन्यपूर्ण चीज को इस कदर बंदी मैली कुचैली करके क्यों संसार में आंखों में नजर आ रही है, उसका ऐसा हाल क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि जो चीज इतनी उदार महान और उसके शुरू करने वाले भी बड़े महान और उदार रहे हैं, वो सब के सब जा करके आज कहाँ पहुंच गए। जैसे अमेरिका में मैं सोचती हूँ बहुत बड़े इंसान हो गए, उनको हम कहते हैं अब्राहम लिंकन, बहुत बड़े आदमी थे, रियलाइज सोल थे, उन्होंने सीधी चीज इतनी बढ़िया चीज संसार में ला दी, इतना बड़ा काम कर दिया। लेकिन अब जो है वहां देखते हैं तो सोचते हैं जो उन्होंने किया था पता नहीं उसको किस तरह से इन लोगों ने एकदम विद्रूप और प्रूव करके रखे, एक ये बात हो गई। उससे अगर आप देखिए तो कम्युनिज्म भी जिस लेनिन और मार्क्स ने बनाया था वो भी रियलाइज सोच थे, उन्होंने भी जो सोचा था वो भी हितकारी चीज थी, वो हित के जगह अब सबका हित थी। या धर्म के भी जो जो संस्थापक थे सब भी बड़े उदार और बहुत महान लोग थे, और उनको भी कोई कह नहीं सकता, उनकी तरफ कोई निर्देश करके नहीं कह सकता इन्होंने कोई गलत काम किया हो या इन्होंने कोई गलत धारणा से ऐसी बात नहीं। लेकिन आखिर आगे जाकर के वो चीज ऐसी हीरा जो था वो जाकर के कीचड़ में कैसे हो गया? हीरा तो जहाँ है हीरा ही रहना चाहिए, लेकिन ये तो हीरा जो आया सो पूछ करके जैसे उसका बिल्कुल ही तोड़ करके उसको मरोड़ के और उसको कीचड़ ही बना, और सभी लोग ये चीजें देख कर बड़ा आश्चर्य होने लगता है कि इस तरह की जितनी विदात चीजें आए। अब साइंस आया संसार में, लोगों ने कहा अब साइंस आया, अब तो हम लोग के सारे प्रश्न हल हो गए, और उस सब प्रश्न हल होने के बाद में और अब हमें कोई चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए और सब चीज ठीक हो जाएगा। वो तो बात नहीं, हमने एक राक्षस बना के रख दिया है, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये वो अपने खोपड़ी पे खड़े कर दिए, इधर उससे ही बनी हुई ये प्लास्टिक और ये नायलॉन और ये सब इसके पहाड़ के पहाड़ खड़े कर दिए। ये सब चीजें जो सुविधा के लिए बनाई थी इतनी असुविधाजनक हो गई, जैसे दुनिया भर की बीमारियां आ गई, आफतें आ गई, आगे क्या बची, क्यों इस तरह से हो गया? ये सब जो चीजें, ये सब हित प्रणीत हित को लेकर हितकारी बनाए, उसी से मनुष्य नवीन उमंगे आई, उसी से उसने सोचा कि मानव के उद्धार के लिए चीज बनाई जाए, वही उसके उद्धार की जगह उसको पूर्णतया नष्ट कर दे। इसका कारण क्या? कारण यह है कि जैसे श्री कृष्ण ने कहा हुआ है कि मनुष्य की जो धारणा है या मनुष्य का जो विचार है या जो मानव की जो चेतना है नीचे की ओर है, और धीरे धीरे वो धूली में मिल, ये उन्होंने कहा नहीं, ये मैं कह रही हूं, क्योंकि आज वो साक्षात है। श्री कृष्ण ने भी जो धारणाएं रखी वो भी धूली में, राम ने जो रखी वो भी धूली में, उसके बाद जिन्होंने भी कोई धारणा रखी जो कि बिल्कुल सत्य स्वरूप थी, सत्य का ही अंग प्रत्यंग थी, वो सब धूली में मिली। इसका कारण यह है कि जब ये मनुष्य के दिमाग के घड़े में पड़ती है उसमें कोई ऐसी विषारू वस्तु है कि जिससे ये सब ये विषारी वस्तु क्या है जिससे इस तरह का कार्य होता है, वो है इसकी सीमाएं। हर चीज की सीमा होती है, इस तरह बुद्धि की भी सीमा होती है, और इसीलिए इस सीमा में बंद करके वो चीज टूट करके और नष्ट हो जाती है। जैसे कि अंगूर का सुंदर स्वाद वाला रस भी अगर एक घड़े में बंद कर दिया जाए तो उसमें उसकी शराब बन के उसका नशा चल जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में जो कि सीमित उसमें ये अनलिमिटेड चीजें डाल देने से एकदम नष्ट हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य का मस्तिष्क ही कुछ खराब, इसका मतलब ये कि ये जो मस्तिष्क है इसकी सीमाएं तोड़नी होगी, इसकी सीमाएं बढ़ानी, मनुष्य की चेतना जो है वो व्याप्त करनी, इतनी व्यापक होनी चाहिए उसके अंदर सत्य समा और वो खुली होनी चाहिए। इसका लक्ष्य क्या है? उधर ध्यान हमारा हट गया,
जब चीज सीमित होती जाती है तो इसका लक्ष्य क्या है, उधर हमारा ध्यान नहीं। हर चीज का लक्ष्य था मनुष्य का हित, और हित क्या चीज है इसमें श्री कृष्ण ने बताया है कि हित वो है जो आत्मा का कल्याण करे। अब आत्मा स्वयं ही कल्याणमय है, लेकिन कल्याण करे माने आत्मा से हम लोगों का कल्याण। लेकिन जब आत्मा हुआ है तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता। आज का जो नवीन वर्ष है ये विशेष बात है, क्योंकि आज की जो बात हम कर रहे हैं, आज का जो हम सहयोग का कार्य कर रहे हैं, ये हम अपने मस्तिष्क को विस्तीर्ण कर महान कर श्री कृष्ण ने कहा है विराट का स्थान जो है वो इस मस्तिष्क इसके अंदर उसके जब उन जड़ों को हम जागृत कर रहे हैं, वो जड़े जागृत होने से ही सत्य को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सकते एब्सॉर्ब कर सकते। मनुष्य की जो सीमित प्रकृति है वो खुल जा सकती। लेक्चर देना तो बहुत आसान है कि आप मनुष्य के हित के लिए ये करो, हित के लिए वो करो, लेकिन होता नहीं। अंत में मनुष्य अपना हित नहीं करता, उल्टे अपना भी अहित कर सकता है और सारे समाज का भी अहित कर सकता है। इस मस्तिष्क को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका वो है कि हमारे अंदर हमारे हृदय में बसे हुए श्री आत्मा राम को जागरूक करना और उनके प्रकाश से हमारे बुद्धि को हमारे मस्जिद को जागरूक। सो कैसे होता है कि हमारे हृदय के अंदर जो आत्मा है वो साक्षी स्वरूप बैठा हुआ सब चीज इस पर कुंडली जिसे आप गौरी माता कहते हैं जब जागरूक हो जाती है तो मस्तिष्क में भेद करके यहाँ पर ब्रह्मरंध्र को छेदने के बाद यहाँ पर जो परमात्मा का वास है उसे आलोकित कर परमात्मा का ही प्रतिबिंब हमारे हृदय में आत्मा सुन। जैसे ही हमारा आत्मा जागृत हो जाता है तो इस आत्मा के चारों तरफ ये सात चक्र के आलोक सात चक्र के मंडल वो भी जागृत हो जाते और ये सात चक्रों की जो पीठ है वो हमारे मस्तिष्क में है, क्योंकि वो भी जागृत हो जाते हैं इसीलिए ये सात मंडल भी हमारे हृदय में जागृत। ये मंडल जागृत हो जाने से ही हमारी जो नसें हैं या हमारी जो ब्रेन है वो एक तरह से अति सूक्ष्म तरीके से खुल जाता है और उसके अंदर शोषण करने की शक्ति सत्य को शोषण करने की शक्ति बढ़ने से ही मनुष्य सत्य पे खड़ा हो सकता है। आज तक मनुष्य सत्य पे खड़ा नहीं हो पाया, सत्य को सुनता है जानता है देखता है उस पर खड़ा नहीं हो सकता। सत्य को आत्मसात करने आत्मा की जागृति और वो आज सहयोग में हो गई, सहज में ही हो गई कहना चाहिए, जो इतने लोग आत्मा को प्राप्त हो। आत्मा को प्राप्त होने से वो शक्ति आपके अंदर जागृत होती है जिससे आप सत्य को आत्मसात कर सकते। जो आज डेमोक्रेसी का सत्य है वो सत्य आपके अंदर जागृत हो। माने ये कि दूसरा कौन है सब तो हम ही है, हमारे ही अंदर सब कुछ है। जब आपको सामूहिक चेतना आ गई तो उसमें कम्युनिज्म का भी सत्य आ गया। जब आपके अंदर ही आ गए वो सत्य आप ही के अंदर प्रकट हो रहा है। जब आप उसको देख करके जान कर रहे हैं इस आदमी में कौन से दोष है, और जब आप अपने को जानने लग गए, जब आप अपने को देखने लग गए, आप जब अपनी ही स्वतंत्रता को प्राप्त हो गए तो आप में डेमोक्रेसी का भी जो सत्य वो भी जागृत हो, तो स्वतंत्रता भी आ गई और एक तरह से परतंत्र भी आपके हाथ में, दूसरों का जो तंत्र है वो भी आपके हाथ में आ गया और आपकी स्वतंत्रता भी आप जान सकते कि अपना भी स्व का तंत्र आप। शिवाजी कहते थे स्वधर्म ओढ़ा, स्व का धर्म जानो, स्व का माने अपने आत्मा का धर्म आप जानो। और आत्मा का धर्म जो है कहने को तो स्व है लेकिन ये जागृत विश्व का आत्मा है,
जो विश्व का आत्मा है वही हमारे हृदय में बसा हुआ है, उसमें जागते ही जो विश्व की भावना, उसको कि हम एक बड़ा भारी उदार उदाहरण और उसको बहुत बड़ी एक फिलोसफी समझते, एक तत्व ज्ञान के रूप से जिसे जानते थे, वो साक्षात हमारे अंदर विराजमान हो। जय श्री माता जी। चलिए देखते हैं हमने क्या समझा जो माँ हमको बता रही थी। कौन बताएगा, शेयर करेगा कि हमने क्या समझा? पूनम आपने सुना है शुरू से? पूनम रानी आप बताएंगी आपने क्या क्या समझा, सब थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे पूरा हो जाएगा फिर। हाँ जय श्रीमाती दीदी, मतलब माँ ने बताया कि जैसे न्यू ईयर नया साल आता है तो हमारे सबके अंदर एक उमंग होती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी मतलब चीजें हमारे अंदर आती हैं। फिर जैसे कई लोग नई साइंटिफिक का कुछ बताया कि नई चीजें बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक आया, फिर एटम बम बनाया, ये जो कि मतलब हमारे लिए नुकसान कर जाता है, वो मतलब कि उसका दुरुपयोग होता है, प्रकृति को उसका नुकसान होता है। फिर माँ ने बताया कि जैसे हम अपनी आत्मा को इसमें जान जाते हैं कि मतलब सत्य को, मतलब हम सत्य पे खड़े हो जाते हैं जब हम अपनी आत्मा को जानते हैं, अपने आप को जान जाते हैं और फिर हम सत्य पे खड़े होते हैं। और बताए कि आत्मा में जो भी, जब हमारी आत्मा पर के तंत्र को हम जान जाते हैं और जो हमारी आत्मा के जो भी इसमें वो होते हैं चक्र, वो हमारे मस्तिष्क में उनका मस्तिष्क में खुल जाता है जब हम अपनी आत्मा को अच्छे से जान लेते हैं, तो जो चक्र होते हैं पूरे मस्तिष्क में खुल जाते हैं। ओके गुड, वेरी नाइस। और किसने क्या समझा? टीना आप बताएंगी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। हाँ जी हाँ जी, माँ ने बताया जैसे शुरू में रामचंद्र जी ने जो भी चीज बोली, कृष्ण जी ने जो भी बोला था, सब कुछ सत्य, लेकिन वो सब कुछ धूलि में मिल गया क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो बहुत सीमित होता है। तो जब सहज योग जो है, जब हम सहज योग करने लगते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तब हमारी आत्मा जागृत होती है। जब आत्मा जागृत होती है तो हमारा मस्तिष्क जो है वो सीमित से असीमित हो जाता है, सारे चक्र खुलते हैं। तो जो चीजें जो हमें लगता है कि हमारा मस्तिष्क नहीं समझ सकता, वो चीजें समझ में आने लगती है, सत्य समझ में आने लगता है। तो सत्य पर खड़े होने की शक्ति मिलती है, जबकि पहले तो इंसान बिना सहयोग के जब चीजें पढ़ता था, समझता था, चीजें ध्यान नहीं करते थे लोग, तो मतलब देखते थे सत्य ये है, लेकिन उसके ऊपर खड़े नहीं हो पाते थे, उसको समझ नहीं पाते थे, आत्मसात नहीं कर पाते थे, देखते थे जानते थे, लेकिन ध्यान से एक ऐसी शक्ति मिलती है, एक ऐसी शरीर में, एक मस्तिष्क में ऐसी शक्ति जागृत होती है कि सत्य समझ में आता है, चीजें समझ में आती है, जिसको हम आत्मसात कर पाते हैं। Very nice, Tina. Very close to what she said. Very, very close. अच्छा मैं समराइज कर देती हूँ क्योंकि फिर 6:30 तक ये सेशन खत्म भी करना है और ध्यान भी करना है। तो श्रीमाता जी जो मुझे लगा कह रहे थे कि मानव की जो अवेयरनेस है वो नीचे की तरफ जाती है, उधर चीज हम जल्दी पकड़ते हैं धूली में जाने वाली। तो जो मूलाधार चक्र ने देखा, जो नीचे वाली पंखुड़ी है ना बड़ी खतरनाक है, वो उधर की तरफ खींचती है आपको और आपको जाना है उसके उल्टा ऊपर की तरफ, है ना। तो वहां पे आध्यात्मिक उत्थान है। तो जो भी चीजें आप जान रहे हैं उनको जोड़ने की कोशिश करते रहिए हमेशा। तो श्री माता जी इसमें बोली थी कि जैसे नए साल का कोई शायद ये प्रोग्राम था, तो माने कहा कि जिसने भी ये कॉन्सेप्ट बनाया होगा वो वाकई मतलब बड़ा दिमागदार आदमी रहा होगा, कि एक नई चेतना से हम सब शुरू करते हैं कि नया साल आ रहा है, मैं इस साल में पतली हो जाऊंगी, मैं इस साल में सारा दिन बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, मेरिट लिस्ट में आऊंगी, मैं इस बार बहुत अच्छा काम करूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी। हम अपने बहुत सारे मतलब वो लेते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन धीरे 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 जनवरी के फरवरी से वो धीमे 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 हम वो सब भूल जाते हैं, हम उसका उल्टा ही करने लगते हैं, मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, शराब पीना छोड़ दूंगा, लेकिन हम कोई भी एक चीज फॉलो नहीं करते। माँ ने बताया कि अब जैसे धर्म है,
कोई भी धर्म है, जितने भी धर्म आए, चाहे वो मतलब कोई भी दुनिया का धर्म है, वो लोग बहुत महान थे, है ना। जैसे मुस्लिम धर्म है, निजामुद्दीन औलिया कितने महान थे, मोहम्मद साहब तो ब्रह्मदेव के अवतार थे, है ना। तो फातिमा भी, हजरत अली, ये सीता राम जी के मतलब तो इस युग में आके, त्रेता युग में आके वो सीता राम जी ही थे, है ना। तो इस तरह से जो फातिमा भी थी साक्षात सीता थी, है ना। तो हम जो है, उन्होंने जो भी बताया, किसी भी धर्म के प्रवर्तक ने जो भी बताया वो बहुत ही महान और सत्य चीज बताई, लेकिन हम उनका तो अनुकरण करने लगे, उस व्यक्ति विशेष का, लेकिन हमने वो तत्व को नहीं पकड़ा, उस सत्य को जाना नहीं, तो हर धर्म धीरे 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 नीचे आ गया। श्री माता जी कहती है इसी तरह से, पहले जैसे राजनीति की बात की फिर माने, मतलब एक फितरत बता रही है श्री माता जी कि शुरुआत हम बड़ी अच्छी करते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे नीचे आते जाते, क्यों होता है ऐसा। फिर जैसे श्री माता जी ने बताया, धर्म की भी शुरुआत बहुत अच्छी हुई, वो सब हुआ, इतने शानदार प्रवर्तक अवतार आए, हर गुरु नानक देव जी आए ये बताने के लिए कि ईश्वर एक है। उन्होंने ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना नाड़ी की भी बात की, सुखमन नाड़ी है, निराकार है। मोहम्मद साहब ने निराकार ईश्वर की बात की, है ना। लेकिन हम वो नहीं समझे मेन चीज। उन्होंने बोला कि ईश्वर का मतलब हर व्यक्ति का दो बार जन्म होना है और तब उसके पाप और पुण्यों का निपटारा होगा, वो अंतिम निर्णय होगा। बाइबल में भी ऐसा ही है, कुरान में भी कयामत है, उसमें डूम्स डे है। तो उन्होंने क्या किया, दफनाना शुरू कर दिया उसको, ऐसे समझा कि जिस दिन ये खड़े हो जाएंगे, एक दिन खड़े होंगे कयामत के वक्त, तब इनका फैसला होगा कि उन्होंने क्या गलत किया क्या सही किया, तो हेल मिलेगा या हेवन मिलेगा, दोजक मिलेगा या जन्नत मिलेगी। और हिंदुओं ने इसको कैसे लिया कि भाई जो द्विज है, हिंदुओं में भी कहा था मनुष्य का दो बार जन्म होना अनिवार्य है, वही भगवान का बंदा माना जाएगा। तो उन्होंने ऐसे लिया कि द्विज मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण ने ज्ञान दिया, तो उन्होंने उसी को कह दिया कि भाई ये जो ब्राह्मण कहता है ये सत्य है, क्योंकि वो द्विज मतलब दो बार पैदा होना, जैसे चिड़िया दो बार पैदा होती है, पहले अंडा फिर चिड़िया, इसी तरह से द्विज मतलब जो द्विज ब्राह्मण को कहते हैं। तो उसको ये मान लिया कि ब्राह्मण का बेटा, हर बेटा रियलाइज्ड सोल है, जबकि हम दो बार पैदा, हम सब हैं, हम सहजी लोग सब दो बार पैदा हुए, क्योंकि पहले हमारा जन्म कुंडलिनी ने दिया, फिर दूसरा जन्म भी कुंडलिनी ने दिया। कुंडलिनी ही हमको माँ के गर्भ में, ढाई से तीन महीने के गर्भ में जब आती है, तब हमको प्राण आते हैं हमको, फिर वहां पे हमारी आत्मा आती है, लिम्स बनते हैं, और हम हमारे अंदर जान आती, आत्मा और कुंडलिनी जो डिवाइन एनर्जीज हैं, मेल एंड फीमेल एनर्जीज हैं, शिव और पार्वती के स्वरूप में, शिव के स्वरूप में आत्मा है, पार्वती के स्वरूप में, गौरी रूप में कुंडलिनी, ठीक है। तो कुंडलिनी ने मुझे जन्म दिया, तो अब ये कुंडलिनी जब दोबारा ऊपर निकलेगी तभी मेरा दूसरा जन्म होगा ना। तो सहजयोगियों का दूसरा जन्म होता है आत्म साक्षात्कार, इनके अलावा कोई भी रियलाइज्ड नहीं, इनके अलावा कोई भी खुदा का बंदा नहीं है, अल्लाह का बंदा नहीं है, ईश्वर का बंदा नहीं, सहजियों के अलावा, क्योंकि उनका दो बार जन्म होता है, ठीक है। सो अब ये इतना बड़ा सत्य है, है ना। गुरु नानक देव ने बताया, मोहम्मद साहब ने बताया, रामचंद्र जी ने, कृष्ण जी ने, कृष्ण जी ने कहा अनन्य भक्ति करो और आत्मा के जो कार्य करो आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा आत्मा की अनन्य भक्ति कब होगी। अनन्य मतलब जब मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं जब ईश्वर में समा गई तो कोई है ही नहीं दूसरा। ओनली व्हेन आई एम सेपरेटेड आई कैन से अच्छा भगवान, लेकिन जब मैं एक हो गई तब मेरी आत्मा परमात्मा में मिल गई, है ना। तो मैं अनन्य भक्ति हो गई। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सब अवतारों ने बताई, और उन्होंने क्या किया, उसका धर्म बना लिया। कृष्ण वालों ने वो कृष्ण वाला धर्म बना लिया, विष्णु वालों ने वैष्णव बना लिया, राम वालों ने राम मंदिर और ये सब बना लिया, और मतलब बिल्कुल जो उनके तत्व की बात थी वो नहीं समझी। तो ऐसा क्यों हुआ श्री माता जी कहते, राजनीति में पहले राजा होता था कि एक राजा रहेगा वो सबको एक जैसा देखेगा, एकदम ठीक तरीका है, तो राजतंत्र आ गया। फिर देखा राजा तो निरंकुश हो गया,
वो तो अपनी पावर्स का मिसयूज करने लगा, फिर प्रजातंत्र आ गया, नहीं प्रजा को ही हाथ में दे दो चलाना। अब वहां भी मतलब जो चुने हुए बंदे थे वो भी गड़बड़ करने लगे, और फिर कम्युनिज्म आ गया। तो चीज तो बड़े अच्छे थॉट के साथ शुरू होती है, बट स्लोली ग्रेजुअली कम्स डाउन, धूली में मिल जाती है, जमीन में मिल जाती है, और फिनिश हो जाती है, विकृत हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, श्रीमाता जी बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए होता है। अब जैसे श्रीमाता जी ने कहा कि अगर अंगूर है, अंगूर का रस कितना अच्छा है, माने साइंस की भी बात बताई कि साइंस बिजली पंखा वो कितना आराम, फिर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने लग गए, पॉलिथीन बना दिया जो कभी नष्ट ही नहीं हो सकता, एंड इट्स अ नेगेटिव थिंग, जलेगा तो पूरे मतलब विश फैला देगा सारे। तो साइंस का भी हुआ तो अच्छे से शुरुआत थी, धीरे धीरे अंत कहाँ हो रहा है, बॉम्ब्स में हो रहा है, अंत का हो रहा है, गलत गलत चीजें बनाने में हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि इंसान इतना सुंदर जब करता है, अब अंगूर का रस है उसको मटके में रख दिया तो वो सड़ गया और वो अल्कोहल बन गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सीमित जगह में रखा था। अगर उसको सीमित जगह में नहीं रखा होता तो वो विषाक्त वो नहीं अल्कोहल बनता। ठीक है, सो श्रीमाता जी बोल रहे हैं कि हम सत्य को सहने की शक्ति हमारे मस्तिष्क में नहीं है, तो हमको इसकी सीमाएं तोड़नी होगी, इसको बड़ा करना होगा, मस्तिष्क को विस्तार करना होगा इसका। तो ये कहां से कैसे पॉसिबल होता है, जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है सबसे पहले मेरी आत्मा को प्रकाशित करती है। आत्मा मेरी बाएं हृदय में, यहाँ पे सातों चक्र के आभा मंडल है। तो जैसे ही आत्मा जागृत हुई, लिटरली मैं बता रही हूँ आपको, ये प्लीज महसूस करो, आप लोग सब आत्म साक्षात्कार हो, कि जब कुंडलिनी उठती है यहाँ पे आके ऐसा लगता है ऐसे करके कुछ एकदम प्रकाश, ऐसे जागृत होती है कुंडलिनी। तो कुंडलिनी उठी, आत्मा को जागृत किया, आत्मा के जागृत होते ही सातों चक्रों की ऑरा आभा मंडल यहाँ पे जागृत हो, उनकी सारी शक्तियां यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद ये ऊपर उठती है, फिर ये यहाँ पे आती है मस्तिष्क में, ये प्रकाश आता है क्योंकि सब चक्रों की जो सीट्स हैं वो यहाँ पे हैं सर में, ये हमने कई बार नॉलेज शेयरिंग किया है आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे सबकी सीट्स हैं, मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, विशुद्धि है, तो ये सब जो मेरी सीट्स है ना, ये चक्रों की मेरी यहाँ यहाँ पे नाभि है ना, यहाँ स्वाधिष्ठान है, यहाँ पे मूलाधार है, तो सारे के सारे मेरे चक्र कहाँ है, मेरे सर में। ये जो ऑरास है ये यहाँ गए, इसको भी प्रकाशित कर दिया, ये प्रकाशित हो गया, तो ये विराट हो गया मेरा मस्तिष्क, इसकी सीमा इतनी बड़ी हो गई, अब ये सत्य को ग्रहण कर सकता है, ये हर धर्म का तत्व जान सकता है, सत्य जान सकता है। ये अब हमें ये सड़ेगा नहीं, जो भी अच्छी चीज है कोई भी चीज खराब नहीं होगी क्योंकि इट कैन एब्जॉर्ब द ट्रूथ। सो सहज योगा से क्या होता है, हमारा मस्तिष्क विराट हो जाता है, असीमित, क्योंकि असीमित ही तो है, वरना आप कैसे अंतरिक्ष में चले जाते हैं चित्त के माध्यम से। अब जो हम तीन कॉन्शियस में सारी जिंदगी रहते हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर में सारी जिंदगी, ये आज्ञा क्रॉस करते ही हम फोर्थ डायमेंशन में आ जाते हैं, और यहाँ पे आके असीमित, तो हम अनकॉन्शियस चीजों के बारे में अवेयर हो जाते हैं, थिंग्स विच वी हैव नेवर नोन, थिंग्स विच वी कैन नॉट थिंक वी कैन अचीव। हमें पता था ये आत्मा है, नहीं मैं तो अलका हूं, मैं तो रानी हूं, मैं तो टीना हूं, मैं तो मानसी हूं, कौन हो मैं, स्व क्या है, स्व है आत्मा। तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी अपने तंत्र को जानते हैं और पर तंत्र को भी जानते हैं, दूसरे के भी तंत्र को जानते हैं, अपने हाथों पे पहचानते हैं। किसी के पेट में दर्द हो, एक सहजी वहां पे चला जाए, बेचारे सहजी के भी पेट में दर्द होने लग जाएगा, क्योंकि उसके पेट का दर्द इसकी, क्योंकि शुद्ध कुंडलिनी थी, उसने खींच लिया और उसको दर्द में आराम आ जाएगा, और थोड़ी देर में सहजी का भी दर्द चला जाएगा क्योंकि उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, उसके अंदर कुछ नेगेटिव नहीं रहने वाला है। हमने अभी सुना
अभी अभी शोभा जी बता रही थी, इनको 2.5-3 महीने इसी जूम में इनका रियलाइजेशन हुआ है, और इतने में वो माँ को उन्होंने बोला, और इनकी कॉलोनी में कोरोना केसेस निकले थे और इनको सारे पूरी फैमिली को कोई के कहीं गए नहीं, लेकिन सिम्टम्स पूरे कोरोना के थे, हाई फीवर था, जुकाम था, बुखार था, सिर्फ श्री माता जी के मतलब श्रद्धा और उन्होंने वो किया, कुंडलिनी उनकी जागृत रही, कुंडलिनी ने शुद्ध कर दिया। नेगेटिव चीज आएगी भी तो रुकेगी नहीं, इट कैन नॉट स्टे, इफ योर कुंडलिनी इज अवेकन्ड इट विल क्लेंज इट, उसको वो स्वच्छ कर देगी। तो हमारा जैसे ही मस्तिष्क विराट होता है और ये परम चैतन्य हमारे अंदर आता है, वैसे ही सब शक्तियां हमारी जागृत होती चली जाती, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन सहज योगा, एंड दैट इज व्हेन वी अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ एवरी ट्रूथ एंड द एवरी रिलीजन। सो ये श्री माता जी ने बताया, ठीक है। कोई क्वेरी है इसमें, कोई चीज जो मैं कवर ना कर पाई हूँ आपने इसमें? नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया, आ गया बहुत अच्छे। ओके, तो आई थिंक ये हमने कवर किया काफी हद तक। तो चलिए अब ध्यान की तरफ, क्योंकि नए साधक होते हैं शायद उनको लगता है नॉलेज शेयरिंग टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट नहीं है, इस सुनने से हमारी और भी क्लेंजिंग हो जाती है और विश्वास दृढ़ हो जाता है कुंडलिनी अवेकनिंग। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने ध्यान को, एकदम शांति से बैठेंगे, कोई विचार नहीं, जस्ट हम्बल डाउन योरसेल्फ्स, एकदम शांत। श्री माता जी से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप हमें ध्यान की उन गहराइयों में उतारिए माँ, जिसमें आप अपने सहजी बच्चे को देखना चाहती हैं माँ। हमें हमारे आध्यात्मिक उत्थान की वो अवस्था प्रदान करिए माँ, जो आप हमें प्रदान करना चाहती हैं माँ। लेफ्ट हैंड लैप में, राइट हैंड पृथ्वी पे प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मेरे लेफ्ट साइड की सारी समस्याएं, सारे पजेशंस, सारी बुरी यादें, सारी अधूरी इच्छाएं माँ आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। श्री माता जी कृपा करके मेरे शरीर के बाएं भाग में श्री महाकाली को जागृत कर दीजिए। श्री माता जी आप ही मेरी कुंडलिनी माँ है, उठिए जागिए और मेरी लेफ्ट साइड को स्वच्छ कर दीजिए। चित्त हमारा हमारे लेफ्ट हैंड पे रहेगा,
अपने लेफ्ट हैंड को देखिए, आंखें बंद, कीप योर अटेंशन ऑन योर लेफ्ट हैंड। Now we shall open our right hand and fold our left hand, palm facing the sky, and pray. Shri Mata Ji, कृपा करके मेरे शरीर के दाएं भाग में जो भी अशुद्धियां हैं, possessions हैं, माँ जो भी negative forces हैं, जो मेरे भविष्य में मुझ पर आक्रमण कर सकती हैं, ऐसी सभी नेगेटिव फोर्सेस को आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। श्री माता जी, Please cleanse my right channel and remove all the obstacles coming in way of my good, peaceful future. Mother, please take them into your ether element. दोनों हाथ गोद में, both hands in your lap, and now we shall pray. हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मुझे मेरे केंद्र में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी, please establish me in my central nervous system. माँ मुझे मेरी सुषुम्ना नाड़ी में स्थापित कर दीजिए माँ। अब हम सभी लोग अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे, गहरी सांस भरेंगे, चेस्ट में होल्ड करेंगे उस सांस को, और जगदम्बा जगदम्बा 12 बार या तो हृदय में बोलेंगे, और अगर उच्चारण कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं। हृदय में 12 बार जगदम्बा बोलिए, जगदम्बा 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 जगदम्बा। रचित मध्य हृदय में, अपने चित्त को मध्य हृदय में रखेंगे, दुर्गा के आगमन को महसूस करेंगे। मध्य हृदय को मजबूत रखें, पूरी चित्त को मध्य हृदय में रखेंगे। अब हम अपनी राइट हैंड को लेफ्ट हार्ट पे रखेंगे और प्रार्थना करेंगे।
हे कुंडलिनी माँ उठिए जागिए और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। हे कुंडलिनी माँ उठिए जागिए और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। श्री माता जी मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए माँ। Now we shall stretch out our right hand, put it on our head, top of our head on Brahmarandhra, bend down our head, press and move our scalp in the clockwise direction 7 times. Move karenge, maa se prarthana karenge, he param pavani maa, कृपा करके मेरे ब्रह्मरंध्र को पूर्णतया खोल दीजिए। श्री माता जी माँ प्लीज ओपन अप माय ब्रह्मरंध्र। माँ मेरी कुंडलिनी शक्ति को पूर्णतया जागृत कर दीजिए। श्री माता जी मेरी कुंडलिनी शक्ति को पूर्णतया जागृत कर दीजिए। आपने मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दिया, आपको कोटि कोटि नमस्कार। आपको कोटि कोटि नमन, धन्यवाद करेंगे श्री माता जी का। माँ आपको कोटि कोटि नमन, कृपा करके मेरे आत्म साक्षात्कार को सुदृढ़ बना दीजिए। हाथ नीचे, चित्त पूरा सहस्रार पे रखेंगे। अपने चित्त को थोड़ा ऊपर उठाएंगे 3-4 इंच ऊपर, सहस्रार ऊपर 3-4 इंच, और ऊपर उठाएंगे थोड़ा सा, और ऊपर उठाएंगे। देखें क्या हमारा चित्त आकाश तक पहुंच रहा है, आकाश तक चित्त को ले जाएंगे। हमारी कुंडलिनी शक्ति आकाश तक खड़ी हो गई है एक पाइप की तरह, और चारों तरफ परम चैतन्य फैला हुआ है, एकाकारिता स्थापित हो रही है परम चैतन्य से। महसूस करेंगे इस कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से हमारे अंदर परम चैतन्य प्रवेश कर रहे हैं। परम चैतन्य को महसूस करेंगे हमारे ब्रह्मरंध्र पे लगातार आकाश से आ रहे हैं, और हम भीग रहे हैं परम चैतन्य की वर्षा में, भीग रहे हैं हम। परम चैतन्य को अपने अंदर आत्मसात करेंगे। आकाश से आते हुए परम चैतन्य हमारी कुंडलिनी के माध्यम से आज्ञा चक्र तक लाएंगे, विशुद्धि चक्र तक लाएंगे। परम चैतन्य हमारे चक्रों को स्वच्छ कर रहे हैं, मध्य हृदय में लाएंगे, नाभि पे लाएंगे, स्वादिष्ठान चक्र पे लाएंगे नाभि से नीचे, और मूलाधार चक्र पे लाएंगे।
परम चैतन्य हमारे मूलाधार चक्र पे फिर से ऊपर चलेंगे चित्त के माध्यम से मूलाधार चक्र श्री गणेश जी को प्रणाम करेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को प्रणाम करेंगे। नाभि चक्र श्री विष्णु लक्ष्मी जी को प्रणाम करेंगे। मध्य हृदय श्री दुर्गा माँ को प्रणाम करेंगे। विशुद्धि श्री कृष्ण जी को प्रणाम करेंगे। आज्ञा चक्र श्री यीशु मेरी को प्रणाम करेंगे। सहस्रार चक्र माता जी को प्रणाम करेंगे। श्री माता जी निर्मला देवी आने देंगे परम चैतन्य को अपने अंदर अधिक से अधिक मात्रा में आकाश से सहस्त्र से ऊपर चित तीन चार इंच ऊपर और ऊपर लेते जाइए। ऊपर चित आकाश तक ले जाइए चित्त को। परम चैतन्य से एकाकारिता का अनुभव करते हुए महसूस करेंगे कि ऊपर से ईश्वरीय शक्ति हमारे ऊपर बरस रही है और हम भीग रहे हैं। हम अपने शरीर को एक प्रिज्म की तरह बनाएंगे, एक ट्रायंगल। सर के ऊपर चित, लेफ्ट हैंड पे चित, लेफ्ट हैंड पे महसूस करेंगे परम चैतन्य को। ठंडी हवाएं हिलोरे सागर की महसूस करेंगे लेफ्ट हैंड पे, महसूस करेंगे लेफ्ट हैंड में परम चैतन्य को। पूरा चित्त लेफ्ट हैंड पे आनंद लेंगे इसका। राइट हैंड पे चित्त को लाएंगे, परम चैतन्य को महसूस करेंगे और सर के ऊपर चित्त को लाएंगे। कुंडली चढ़ाकर बंधन लेंगे। माता जी को प्रणाम करेंगे। थैंक यू। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। जय श्री।